सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अ की मात्रा। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में पहला पाठ क्या है? अ की मात्रा। तो बिना मात्रा लगाए वर्णों को जोड़कर भी शब्द बनाया जाता है। आइए बिना मात्रा के दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द, चार अक्षर वाले शब्द हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग ये जाने। दो अक्षर वाले शब्द, घ जोड़ र क्या हुआ? घर। फ जोड़ ल फल। तीन अक्षर वाले शब्द, अब हम क्या बनाएंगे? तीन अक्षर वाले शब्द, म जोड़ ट जोड़ र मटर, क जोड़ म जोड़ ल कमल। अब हम आते हैं चार अक्षर वाले शब्द, ब जोड़ र जोड़ ग जोड़ द बरगद, स क्या है? तालव्य जोड़ ल जोड़ ग जोड़ म शलगम। समझ गए? अब उच्चारण करिए। मैं आपको अभी जो भी पढ़ा रही हूं आप अपने नोटबुक में, नोटबुक यानी आंसर बुक, आपकी कॉपी, कॉपी में आप लोग पूरे पूरा इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और जैसे मैं बोल बोल के पढ़ा रही हूं उस तरह से आप बोल बोल कर लिखिएगा। उच्चारण करो, अब उच्चारण कीजिए, म न मन, फ ल फल, च ल चल, ह म हम, द स दस, क म ल कमल, न ह र नहर, ट ह ल टहल, ब ह न बहन, अ द र क अदरक, क ट ह ल कटहल, क स र त कसरत, अ ज ग र अजगर। हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी अ की मात्रा से पांच शब्द बनाओ, आपके एग्जाम में भी ये आएगा, इसीलिए अभी से सीखना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए अ की मात्रा से पांच शब्द, पहला आपने आपको मैंने बताया था घर, दूसरा चलिए ये जो लास्ट है अंतिम अक्षर क्या है? र, तो र से शब्द बनाइए, र से क्या होगा? रथ, ठीक है। तीसरा अंतिम अक्षर क्या है? थ, ये एक गेम भी हो गया आपके लिए, रथ, इसका अंतिम अक्षर क्या है? थ, तो थ से क्या होगा? अ की मात्रा से थ र म स, थर्मस। अब चौथा, चौथा इस तो थर्मस का अंतिम अक्षर क्या है? स, स से बनाइए, स से क्या बनाएंगे हम? सड़क, ठीक है। अब पांच, पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर क्या बनाएंगे सोचिए? सड़क, अंतिम अक्षर क्या है? क, क से क्या होगा? क ल म कलम, ठीक है। इसी तरह से आप घर में भी अ की मात्रा से शब्द बनाने का प्रयास करिएगा,
धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़िए, बोल कर पढ़िए और लिखावट अच्छी कीजिए और उच्चारण भी शुद्ध रहनी चाहिए, ठीक है? धन्यवाद।